आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हालांकि बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया, जहाँ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, तो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देशी कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वह एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें, लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे, और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी नुकसान, न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। हिजाब का ताल्लुक मजहब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक से भी है, और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि किस के बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए। और इस ताल्लुक से अगर हमारे जज फैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रख कर बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस धुलिया साहब के ही फैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फैसला करने की ज़रूरत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है, अलग अलग राय दी है, तो अब जो हिजाब पर बैन लगा हुआ था वो बरकरार रहेगा? कर्नाटक के उडुपी से दिसंबर 2021 में हिजाब रो की शुरुआत होती है, जिसके बाद आपको बताएं कि वहां की जो स्टेट जुडिशरी है यानी कि हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होती है, जिसमें कहा जाता है कि स्कूलों के अंदर में जो सभी बच्चों को एक समान दिखाने का जो प्रक्रिया होता है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाता है,
और सभी बच्चे एक समान दिखे, और उसमें जो बराबरी की बातें की जाती है कि समाज के अंदर एक समान हिस्सेदारी एक समान बराबरी, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां के माफ करिएगा कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब जो है वो स्कूलों के अंदर में कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे रहा है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जो तमाम याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाते हैं, जहां आपको बताएं कि आज फैसला आया है। फैसले में देखा जाए तो दोनों जो जस्टिस है, जो दोनों जज हैं, उनका फैसला अलग आ रहा है। आपको बताएं कि सुधांशु धूलिया जस्टिस, और साथ ही साथ अगर देखें तो इन जो दोनों हेमंत गुप्ता, ये दोनों जो जस्टिस हैं हिमांशु धूलिया और हेमंत गुप्ता, ये दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और इनके फैसले दोनों अलग अलग आए हैं, जिससे साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो माननीय कोर्ट जो तमाम देखे तो तमाम पहलुओं को जांच कर परख कर और उस पर फैसला सुनाती है, उसमें पूरी तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सुधांशु धूलिया उनके साफ तौर पे कहना है कि कहीं हिजाब कहीं ना कहीं देखें तो एक धार्मिक प्रक्रिया है और उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो सुधांशु गुप्ता जस्टिस की तरफ से कहा गया, हेमंत माफ करिएगा हेमंत गुप्ता जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं देखें तो समाज में बराबरी, और अगर देखें तो पर्दा सिस्टम खत्म हो चुका है तो इसे भी खत्म करना चाहिए। और वहीं आपको बताएं कि फैसले को पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा है, आगे इस पर फिर से कार्रवाई होगी। वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर अब धीरे धीरे राजनीति जो है वो फिर से हिजाब को लेकर बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो जो तमाम मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना है, धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारे मजहब में जो तमाम देखे तो एक सिद्धांत होता है हमारा, उसके तहत कहीं ना कहीं जो हिजाब है उसकी आवश्यकता है। वही आपको बताएं कि AIMIM के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने एक जज का समर्थन करते हुए आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरा है उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए और जैसा चलता आया है वैसे चलने दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की जो कार्रवाई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर है और आगे की जो तारीख होगी उस पर फैसले फिर से आएंगे। मगर कहीं ना कहीं कर्नाटक के उडुपी से 2021 दिसंबर में जो हिजाब वो आया जिसमें 6 लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहन के गई थी, जिसके बाद वहां धार्मिक संगठनों के छात्रों के द्वारा विरोध किया गया था, फिर ये देश भर में मामला आया था। आपको बताया कि कहीं ना कहीं देखे तो जो पक्ष है विपक्ष है दोनों का जो बयान है वो कहीं ना कहीं अलग आते हुए दिख रहा है। वही आपको बताएं कि कहा ये जा रहा है कि अगर देखें तो ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चल रहा है और दोनों बेंचों पे इसकी सुनवाई हो रही है। वही अगर बात की जाए तो जो जस्टिस हेमंत गुप्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी प्रतिबंध लगा रहेगा और उन्होंने सही माना है, तो आगे इस पर फिर से सुनवाई होगी। मगर अभी की अगर बात करें तो बेंच की तरफ से एक जस्टिस की तरफ से यानी कि जस्टिस हेमंत गुप्ता की तरफ से इसे सही बताया गया है और आगे इस पर कार्रवाई होगी। वहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया है कि हिजाब महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक सजा है और जो पर्दा सिस्टम हुआ करता था अगर देखे तो प्राचीन समयों में उसे तमाम जो धर्मगुरु थे, जो तमाम जो ऐसे समाज सुधारक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं देखे तो पर्दा से मुक्ति दिलाई और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं हिजाब एक सजा है और उसके तहत वो अपने चेहरों को नहीं दिखा सकती है और ना ही उनकी पहचान की जा सकती है। मगर अगर बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है और जो परंपराएं हैं वो चलती आए और इसमें कहीं ना कहीं देखे तो इसमें अन्य लोगों को इसमें सम्मिलित होकर कटाक्ष नहीं करने होता है। जी विभांशु, हिजाब को लेकर लड़ाई अब लंबी हो चुकी है, छात्राओं ने जो अपील की थी उनको कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है, तो अब आगे का स्टेप क्या होगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए की निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नीति का उद्देश्य न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाए हैं। नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 में त्रियामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद दारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण के लिए चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान रखे गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विभांशु का। विभांशु, आज कैबिनेट की बैठक की गई, उसमें कई प्रस्ताव पास होने की बात कही गई थी, तो कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए हैं? आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे लोक भवन में हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री जो कैबिनेट के हिस्सा है वो मौजूद रहे। इसमें प्रदेश का जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले मैनिफेस्टो यानी कि भाजपा की तरफ से उसे लोक संकल्प पत्र कहा जाता है, उसमें किए गए वादों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। उसी क्रम में आपको बताया कि आज की बैठक में कहीं ना कहीं देखे जो दो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है, विजन है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट बनाए, उसी क्रम में तमाम नीतियों पर कहीं ना कहीं बात होते हुए मंजूरी मिलते हुए दिखी। अगर बात की जाए मयूरी, प्रमुख जो नीति है, प्रमुख प्रस्ताव है तो इलेक्ट्रॉनिक वैकिंग के बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो तमाम कंपनियां हैं और उपभोक्ता है उनको सब्सिडी देने का बात कहा गया है। आपको बताया कि 15% सब्सिडी की बात कही गई है। अब आपको बताया इसमें टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर यानी कि ऑटो रिक्शा हो, या बसे हो, या फोर व्हीलर हो, इन तमाम गाड़ियों पर तमाम जो व्हीकल है उस पर 15% का जो गवर्नमेंट की तरफ से रियायत मिलेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखे तो जो ईंधन है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई और साथ ही ईंधन का आने वाले दिनों में कहा जा रहा है जो विशेषज्ञ है कि ईंधन खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, ऐसा काफी समय बाद होगा, उसको बचाव को लेकर उसमें पहले से ही सरकार तैयारी को लेकर जो सूबे का जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश के पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए ई व्हीकल को 15% सब्सिडी देने की बात कही गई है। वहीं अगर बात करें तो अमेठी के अंदर में नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है, आने वाले समय में जो अमेठी है वहां पे नए जेल का निर्माण होगा। इसके लिए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति की तरफ से इसकी जानकारी दी गई, उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया था और कैबिनेट के सभी सदस्य इस पर हामी भरते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो मथुरा में कोकुला वन और साथ ही साथ शनि धाम का परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा, जो कि 2,010.11 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी, यानी कि 2.011 हेक्टेयर जमीन लेकर और कोकिला वन का विस्तार किया जाएगा। वहीं आपको बताया कि मथुरा के अंदर में नेशनल हाईवे 19 को अकबरपुर के जैत गांव में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस का केंद्र बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके लिए भी 2.03 हेक्टेयर जमीन की स्वीकृति की बात की जाई है और वहां के किसानों से ये जमीन ली जाएगी और उन्हें जो सर्किल रेट होता है उस आधार पर भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से। वहीं अगर देखें तो उत्तर प्रदेश किसान के लिए भी जाना जाता है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं आज बेहद खास दिन है, क्योंकि देखे तो किसानों को जो दलहन तिलहन मसूर और तमाम जो बीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं देखे तो रवि खरीफ और जायद के यानी कि जो 3 सीजन होते हैं किसानी में, रवि खरीफ और जायद, तो जायद के अंदर में यानी कि जो फरवरी होता है उसमें जायद चलता है, उसमें मसूर और तमाम तरह की जो दलहन और तिलहन के ज्यादा पैदावार उस समय होता है, उस समय खेती होती है, तो सरकार की तरफ से निःशुल्क मिनी किट दिया जाएगा, इसमें संशोधित बीजों को किसानों को जो प्रमाणित बीजे हैं
उन्हें देकर और कहीं ना कहीं इसमें जो दलहन तिलहन की खेती है उसमें बढ़ोतरी की बात की जाएगी। वहीं आपको बताया कि प्राकृतिक खेती को लेकर एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसमें कृषि मंत्री इस बोर्ड के उपाध्यक्ष रहेंगे। यानी कि कृषि जो बोर्ड बनाई जाएगी इसमें प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिस पर लगातार सरकार प्रयासरत है और जो भी प्रमुख नदियां हैं उसके किनारे तटीय स्थल पर प्राकृतिक खेती की तमाम जो है वो खाका रख चुके हैं तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं, साथ ही साथ कृषि मंत्री भी प्रेजेंटेशन अपने दे चुके हैं मुख्यमंत्री के समक्ष। तो आने वाले समय में ऑर्गेनिक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती पर भी सरकार काम करेगी। वहीं अगर बात की जाए तो धान की खरीद को लेकर जो MSP है 2040 रुपए प्रति क्विंटल, उस पर ए ग्रेड के धान को खरीदने का काम किया जाएगा। और जो MSP है यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस आधार पर धान की खरीद भी की जाएगी। वही आपको बताएं कि बरेली और नवाबगंज अवाल नगर पालिका का सीमा का विस्तार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार साल के अंत में निकाय चुनाव है और अगर देखा जाए तो जो नगर निकाय के परिसीमन की बात की जा रही थी बैठक से पहले, उसमें कहीं ना कहीं देखें तो बरेली के नवाबगंज और आवल नगर पालिका का विस्तार किया जाएगा। कुछ और जो गांव है उसको भी सम्मिलित किया जाएगा नगर पालिका के अंदर में। वहीं दूध की अगर देखें तो बढ़ोतरी को लेकर, पैदावार में बढ़ोतरी को लेकर सरकार एक नीति तैयार कर रही है, दूधशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति। इसके तहत जो दूध उत्पादन किसान है उनको कुछ न कुछ लाभ देने का काम करेगी दुग्ध विभाग। वहीं अगर बात की जाए तो मऊ के भी मऊ नाक भजन नगर पालिका परिषद का भी विस्तार किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बाराबंकी सुहेदा अयोध्या बीकापुर भरत कुंड भरत भदरसार नगर पंचायत सीमा का धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। औरैया में सिंगननपुर के किसान भारी बारिश से धान और बाजरा की फसलें बर्बाद हुई हैं, जिससे किसानों की नींदें उड़ गई हैं। आपको बता दें कि धान और बाजरा की करीब 50 हेक्टेयर फसलें खराब हुई हैं। किसान पेट भरने को मजबूर हो गए हैं। वहीं खेतों में भरे हुए बरसात के पानी से नुकसान बढ़ने की आशंका है और अब तक प्रशासन से कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और न ही सर्वे किया गया है। पहले तो बरसात अच्छी हुई जिसको लेकर हम लोग उत्साहित थे कि समय से अच्छी बरसात हो गई, परंतु ये जो बेमौसम की अक्टूबर माह में बरसात हो गई इसको लेकर हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों ने धान भी लगा रखा था, अरहर भी लगा रखी थी, बाजरा भी बोया था, ये बेमौसम की बरसात से सब चौपट हो गया, धान सब गिर गया, जिसके कारण कम से कम 50-60% हम लोगों का नुकसान हुआ है। नष्ट का था, बेमौसम बरसात हुई है, किसान तो बहुत पीड़ित परेशान है, लोन और कर्जा जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। किसानों ने लोन लेके धानी अन्य फसल लगाई थी, सब नष्ट हो गई, गिर गई धानी, जैसे इसको KCC ऋण बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इस पे पैसा उठा के लिया। अब किसान तो बस्थित तंगी पे मोड़ पे खड़ा हो गया कि किस तरीके से ये अपना कर्जा पटाए, कैसे जीवन यापन हो, कैसे परिवार का भरण पोषण हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि हमसे जुड़ेंगे। ऋषि, कई जिलों में बेमौसम बरसात ने आफत मचा रखी है, किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, औरैया में क्या कुछ हालात हैं? बने हुए हैं जो गेहूं
जो धानी है, धानी और बाजरे की फसल है जो पूरी तरह से 60% नष्ट हो चुकी है और जो किसान है बहुत ही ज्यादा परेशान है। काफी किसान ऐसे भी हैं जिनकी लड़कियों की शादी हो चुकी है और लड़कियों की जो फसल नष्ट हो चुकी है, अब वो मजबूर हैं कि लड़कियों की शादी कैसे करें। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अभी तक कोई भी मुआयना करने नहीं आए हैं और जो किसान हैं बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जी ऋषि, सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तो क्या औरैया में कोई राहत सामग्री या कुछ भी व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई भी मुआयना नहीं हो पाए, कोई भी मुआयना नहीं कराया गया है। जो किसान है उनकी खेती का कोई भी मुआयना नहीं कराया गया है और जो किसान, काफी किसान ऐसे भी है जिनने ऋण भी ले चुके हैं और वही बैंक उन्हें नोटिस भी भेज रही है। जी तो ऋषि, अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा या कोई भी मदद क्यों नहीं की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो प्रशासनिक है अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा है। बिन मौसम बरसात के वजह से जो धान और जो बाजरे की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। धन्यवाद ऋषि तमाम जानकारियों के लिए। हमीरपुर जिले में लंपी वायरस का कहर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जिले में इसका कहर देखने को मिल रहा है। यहां मवेशियों में फैली लंपी बीमारी के चलते डेयरी किसानों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यह वायरस बीमारी के बाद पशुओं के लिए काफी जानलेवा साबित होता है। आपको बता दें कि वायरस में पशु को तेज बुखार आना, दूध उत्पादन में कमी होना, भूख ना लगना, नाक से पानी निकलना और आंखों से पानी आना, ऐसे तमाम लक्षण इस वायरस के लक्षण बताए जाते हैं। कभी देखा नहीं है ना सुना है। राजस्थान से कुछ न्यूज़ें आई हैं कि वहाँ एक लंपी वायरस फैला हुआ है। कुछ टीवी में देखा है गायों के शरीर में, जो टीवी में देखने को मिला वैसी ही बीमारी, ये लंपी ही समझ में आ रही है। जिस लंपी बीमारी हो गई हो, शरीर में चकत्ते पड़ना, उनका फूट जाना, फिर घाव हो जाना, गाय का लार डालना और चारा ना खाना, दूध में कमी आ जाना, ये समझ में आ रहा है कि लंपी ही है। वह 3-4 दिन हो गए, काफी दाने निकल आए हैं। मैंने कई ऐसे गांव मोहल्ले में देखा है और जो है ये गाय मतलब 3-4 दिन हो गए इसके, मतलब जो है दाने निकल आए हैं। मैंने कई गाय को मोहल्ले में देखा, ये पालतू जानवर है, मतलब हमारे मोहल्ले में पाले हुए हैं घरेलू मतलब पशु। लगभग कितने दिन से ये दाने निकले? लगभग 3-4 दिन हो गए इस गाय के जो दाने निकल आए हैं। मैंने मार्केट में भी कई जानवरों को देखा है, जैसे मार्केट गया हूँ तो वहाँ पे भी कई जानवरों के दाने निकल आए हैं। मोहल्ले में भी कई ऐसे मतलब जानवर हैं, गाय मिली है जो जिनके दान में है, मतलब पैर में सूजन आ गई है, मतलब हल्के से चारा से इसने उठा पा रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमसे जुड़ेंगे। ब्रजेश, कई जिलों में लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, हमीरपुर जिलों में भी लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। ब्रजेश, हमीरपुर जिलों में लंपी वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए मैं अगर बता दूं, अगर लंपी वायरस की बात करी जाए तो हमीरपुर जिले में भी इस वायरस ने अपनी दस्तक ली है। यहाँ बीती देर शाम मवेशी सामने आए हैं जिनकी जो है यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने लंपी वायरस की पुष्टि करी है। आपको धीरे धीरे इस वायरस से तकरीबन यहाँ 1000 मवेशी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इस बढ़ते प्रकोप को देखकर यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और वो अपनी तरीके से इन मवेशियों की देखरेख और इनका जो स्वास्थ्य परीक्षण है कराया जा रहा है और इनका इलाज पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है समय से पहले। जी धन्यवाद
धन्यवाद ब्रजेश तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।